सो हेलो स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 8 ते आपां पहुँच गए हैं। बेस्ट क्वेश्चंस आपां कर रहे हैं। पिछले दो जिहड़े सीगे उहदे विच आपां डोमेन और रेंज डिस्कस कर रहे सी, तो एक होर क्वेश्चन उस तरह का ही है। उस तो बाद 3-4 क्वेश्चन जिहड़े है वह कंपलैक्स नंबरस के है। ठीक है जी। सो आपां क्वेश्चन दिता जी, एफ एक्स ते आपां कहिंदा कि इसकी डोमेन की होएगी, तो नीचे ग्रेटेस्ट टीचर फंक्शन है, मतलब थोड़ा जिहड़ा एफ एक्स है वह मैं दोबारा लिखा तो वह इस तरह है, तो जिहड़ा अंदर है वह 2 - x * x है। तो इहदा मतलब तुसीं इसनों एफ वन कहोगे, तुसीं इसनों एफ टू कहोगे, तो जिहड़ी दोनों की डोमेन की इंटरसैक्शन आएगी वह तुहाडा सोल्यूशन होएगी। ओके जी। हुण नीचे है, नीचे का मतलब है कि ए जीरो नहीं होना चाहिए, श्योरली नहीं होना चाहिए। हुण जीरो नहीं होना चाहिए, किस वैल्यू तो यदा आंसर जीरो होंगे, जो ये जीरो तो व्डा एक तो छोटा होंगे, इहदा मतलब इस वैल्यू ते इहदा आंसर जीरो हुंदा है। वह कहें जीरो नहीं होना चाहिए, इहदा मतलब तुसी जीरो तो वन नू नहीं बिलोंग करने चाहिए। ठीक है जी। जीरो तो वन नू नहीं बिलोंग करने चाहिए, बाकी तो सब नू बिलोंग कर गया, कोई दिक्कत नहीं। इहदी की दिक्कत है, 2 - x * x ए ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो होना चाहिए, इंटरसैक्शन लैनी है, एंड लैना है, तो इस आप एक्स माइनस 2 कह लिए नैगेटिव ना गुणा करके। सो ये एक्स माइनस 0 एक्स माइनस 2 लैस दैन, तो यदा मतलब है एक्स बिलोंगस टू 0 तो 2। तो एक केस भी आ, एक केस भी आ, ये तो इन्हों कॉमन देख लो, ये कहता ये होवे ना, ये कहता ये होवे, यदा मतलब 0 छड़नी पेगी, 1 छड़ना पेगा, तुहाडे पास तो जिहड़ा सोल्यूशन रहेगा या डोमेन रहेगी d1 इंटरसैक्शन d2 कॉमन डोमेन, उहदे विच एक्स बिलोंग करेगा, 1 तक छड़ देनी है ना, 1 तो लै लेना क्योंकि तो 1 ओपन सी। ठीक है, तो जाऊ कितने तक, 2 तक चले जाऊगी। ये कहिंदा इहदे विच ना होवे, असी लिया भी नहीं, ये कहिंदा इहदे विच होवे, असी लै लिया, कॉमन चीज़ असी छड़ दित्ती। सो ऑप्शन तुहाडे को की आएगी जी, बी ऑप्शन आ जाएगी। सो क्वेश्चन देखो तुसी, क्वेश्चन कितना एलीगेंट है, कई सारे कंपीटिशन च आया हुआ क्वेश्चन है, और अगर तुम थोड़ी जी भी समझ है, ठीक है, थोड़ा जहा भी आइडिया है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर की होंदा है, दैन तुहाडे पास जिहड़ा है इस क्वेश्चन कुछ है ही नहीं का तुहाडे को। ठीक है ना, यू कैन ईजीली अटैम्प्ट, और मैं टाइम लिया 2 मिनट सिर्फ समझाने लिए, तो जो बंदा मैं कहूँ मैं सीधा आंसर ही टिक करना हो, हाफ मिनट ओके है तुहाडे को। ठीक है जी। सो जदों तुसी तैयारी कर रहे हो तो तुसी एक स्ट्रैटेजी बना के चलो, 150 क्वेश्चन किसी बच्चे तो अटैम्प्ट नहीं होने, जे किसी ने मास्टर कैडर देना हैगा तुहाडे को, तुसी कहो 150 दे 150 अटैम्प्ट कर लो, सवाल ही नहीं पैदा होंदा। इहदा मतलब जे आपां कहीए 150 नहीं अटैम्प्ट कर सकते, भी 15-20-25 छुट्टणगे भी, तो उदां दे टॉपिक छड्ड सकदा बंदा जे टेंशन फील कर रहा। सो अगला क्वेश्चन देखिए जी आपां। सो ये क्वेश्चन देखो की है, क्वेश्चन कह रहा द नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ दिस, ये किन्ने सोल्यूशन होणगे तुहाडे को। ठीक है जी। तो ये सोल्यूशन कढ़ने लिए जैड नूं उहदी ओरिजिनल फॉर्म देनी पैंदी है, तो जैड की वैल्यू मैं एक्स प्लस योटा वाई लै लैंदा, तो यदा स्केयर हो जूगा प्लस एक्स प्लस योटा वाई के उत्ते बार पै जूगी इक्वल टू 0। सो कोई भी क्वेश्चन अगर कॉम्पलैक्स नंबर का आ जाए तो तुम कॉम्पलैक्स नंबर नू उस तरह यूज़ करो जिहड़ी उहदी कार्टीजियन फॉर्म है, मतलब जैड इजिकल टू एक्स प्लस योटा आलवेज तुम उसनों यूज़ कर सकते हो। हुण तुम स्केयरिंग खोलोगे ना, ए स्केयर प्लस बी स्केयर होएगा, पर योटा करके माइनस बी लिख देना, 2xy योटा होएगा। ठीक है, एक्स प्लस योटा वाई इजिकल टू 0 होएगा। ठीक है जी। सो अगर 0 होएगा तो थोड़े को एक्स स्केयर, ठीक है, प्लस एक्स, ठीक है। सो जे तुसी रियल पार्ट कहोगे ए 0 आ जाएगा, जे इमेजिनरी पार्ट कहोगे तो ए भी 0 आ जाएगा। इनू कॉमन कढ़ोगे तो 2x + 1 = 0, वाई की वैल्यू 0 या एक्स की वैल्यू -1/2। अगर वाई 0 इत्थे जांदा तो की हालात होंदे ने, तो एक्स स्केयर प्लस x = 0, एक्स कॉमन आया, सो x = 0, x = -1। वाई दे 0 होण ते एक्स 0 आया, इहदा मतलब 0,0 पॉइंट होएगा। वाई दे 0 होण ते एक्स -1 आया, इहदा मतलब -1,0 पॉइंट होएगा। दो पॉइंट तो हो गए, एक वाली ऑप्शन तो डिलीट है, हजे एक्स हैगा, एक्स की वैल्यू -1/2 भरी है ना, इत्थे स्केयर है, इत्थे 1/4 आ जाएगा, इत्थे -1 स्केयर है, वाई स्केयर है, इत्थे एक्स -1/2 है, इजिकल टू 0। तो 1/4, 1/2 -1/4, ठीक है ना, वाई स्केयर, ठीक है, -1/4,
ठीक है। ध्यान नाल देखो जी की सिचुएशन हैगी है तुहाडे कोल। अपने कोल वाई की वैल्यू जीरो है, आपने कर लिया और अपना क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सो एक्स की वैल्यू जिहड़ी हैगी है तुहाडे कोल, अरे मैं क्वेश्चन च गलती करती, जो ये कंजुगेट लेना सी ना उरे नैगेटिव आना सी, ठीक हो गया ना, क्योंकि लग कितों रहा उरों लग रहा ना इमेजनरी वैल्यूज आ जूगी, तो इतने गलती होगी। सो जो गलती होगी तो यह मतलब इतने माइनस होएगा, इतने माइनस होएगा, इतने वन बाय टू आएगा। सो वन बाय टू जो इतने फिल किया वाई का स्केयर तो ठीक है, वन बाय फोर भी ठीक है, प्लस वन बाय टू आ गया। सो प्लस वन बाय टू आ गया जी थोड़े को, वन बाय जोड़ा हैगा थोड़े को। सो इट मीनस वाई स्केयर इज इक्वल टू थ्री बाय फोर एंड वाई की वैल्यू, सो वाई ने दो वैल्यूज देती हैं। इहदा मतलब है कि जो एक्स वन बाय टू है वाई आ गया, जो वन बाय टू है वाई आ गया। सो फोर सोल्यूशन जोड़े है क्वेश्चन रहेंगे। सो ये थोड़ा आंसर आ जाएगा। अगर तुहानू लगे जेड की पावर ज़्यादा वड्डी होगी, अगर तुहानू लगे कि जेड की पावर ज़्यादा वड्डी है, मतलब जेड की पावर सत्त है, जेड की पावर दो है, दैन फिर ना जेड इज इक्वल टू आर इंटू ई की पावर यूटा थीटा ले ली दी, ए दी पोलर फॉर्म होती है, यूलर्स फॉर्मूला होता है तुहाडे कोल, तो यह सबनों पता है, ठीक है ना। सो मैं यूज़ करता नेक्स्ट क्वेश्चन दे। सो अगला क्वेश्चन देखो कि द नंबर ऑफ सोल्यूशनज ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन ज़्यादा वड्डी दे देती उसने, ठीक है जी। जे ज़्यादा वड्डी दे देती तो आपने क्या करना है, जेड की वैल्यू ना आ पक्का होंगी है आर कॉस थीटा प्लस योटा साइन थीटा, तो थोनू आपां इनू ई दी पावर योटा थीटा कह सकते हैं, हाँ जी, क्योंकि ईलर्स फार्मूला होंगे ई दी पावर योटा थीटा कॉस थीटा प्लस योटा साइन थीटा। सो आपां नूं पता जी, जिन्हों नहीं पता हो हुण देख लेगा तुहाडे कोल, ठीक है। तो अगर ज़्यादा लगे तो जेड की पावर सत्त आ गई, अठ आ गई, फिर थोड़ा ई की पावर ही यूज़ करनी पैनी है। सत्त पावर बाइनोमियल थ्योरम ना थोड़ी खोलोगे, तो दो वाला सीगा मेरा सर गया सी। हुण आपां वैल्यू सॉल्व करनी है कि ईओटा लई, ठीक है, जेड क्यूब करिए ई रेज टू द पावर ईओटा थीटा नाल आर है, इहदा क्यूब हो जाएगा प्लस नाइन टाइम्स जेड बार है, जे बार आवे तो की हुंदा हुंदा ई रेज टू द पावर आर ने तो आर ही रहना है ना, ठीक है, ईओटा थीटा नैगेटिव हो जाता हों, इतने स्केयर आ गया, डिवाइडेड बाय जेड मॉड है, ठीक है जी। सो जेड मॉड की होएगा, ठीक है, हाँ जी। अगर आप जेड मॉड की गल करिए थोड़े को, जेड की लिया हैगा उस चीज़ पर डिपेंड करता हैगा थोड़े को, ठीक है। तो हूँ अगर मेरा जेड आए देखना, जेड की अगर मैं मॉड लैंना तो यदा मॉड होएगा ना, सो आर का तो आर ही रह जाएगा, ई दी पावर योटा थीटा का मॉड की हो गया कॉस स्केयर थीटा प्लस योटा साइन स्केयर थीटा दैट इज़ वन, ठीक हो गया जी। सो ए वाली चीज़ जी हैगी है तुहाडे कोल, ए आ गई तुहाडे कोल। सो आपां क्वेश्चन नूं बहुत ही ध्यान नाल देखना है, क्योंकि इस क्वेश्चन च है कुछ, ठीक है। तो उन्हें जेड मॉड किया तो जेड मॉड आपां नूं पता है, आपां इत्थे आर का मॉड लिख दें, इज इक्वल टू जीरो है तो इज इक्वल टू जीरो आपां ने लिख दिता तुहाडे कोल, ठीक है जी। तो हुण जे आपां देखिए तुहाडे कोल बई आर क्यूब हो जाएगा, आर इज़ आलवेज पॉजिटिव, मॉड लिखो ना लिखो थोनों पता आर मॉडुलस हों, मॉडुलस इज़ आलवेज ई दी पावर ईओटा थीटा नाल तीन गुणा खा जाएगा, नाइन उदा ही है, आर का स्केयर आ गया, ई दी पावर ईओटा टू थीटा आ जाएगा, नीचे एक आर हो रहा है तो जीरो, एक आर तो कैंसल हो गया। सो आर क्यूब ई दी पावर ईओटा थीटा प्लस नाइन आर ई दी पावर ईओटा टू थीटा इज इक्वल टू जीरो, नॉन जीरो टर्म कैंसल होंगी, आर नू मैं कैंसल करता क्योंकि आर जीरो तो हो नहीं सकता, कॉमन कट के जीरो करो। सो आर ना डिवाइड कर लिया, आर स्केयर ई दी पावर थ्री ईओटा थीटा, सो प्लस नाइन ई दी पावर माइनस ईओटा थीटा टू इज इक्वल टू जीरो। सो इदा की चीज़ हैगी है। हुण इहनूं परले पासे ले आओ, आर स्केयर ई दी पावर थ्री ईओटा थीटा मतलब परले पासे माइनस नाइन ई दी पावर ईओटा टू थीटा, तो इधर जाके उपर पॉजिटिव हो जाएगा, अल्टीमेटली आर स्केयर ई दी पावर पाँच ईओटा थीटा बराबर है माइनस नाइन आ गया। हुण आपां सिर्फ देखना कि इस इक्वेशन नूं की चीज़ सैटिस्फाई करती। देखो आ वाला रियल पार्ट है भी माइनस नौ, तुहाडे कोल इहदा मतलब इहनूं आर स्केयर ही हैंडल करेगा, उहदा कुछ कर नहीं सकता,
ठीक है। और अपन ये पता भी जोड़ा है तोड़े को हूँ, अगर मैं आर की वैल्यू 3 ले ला, सपोज तुसी देखो अगर आर की वैल्यू मेरी 3, इसने ता ही सॉल्व होना जे कटूगा, क्योंकि कॉस थीटा प्लस योटा साइन थीटे ना कंपेयर होने वाली वैल्यू तो होवे। और साइन थी देखो तुसी रियल पार्ट हो, ध्यान ना सुनना इतने जाके, तुसी रियल पार्ट हो क्योंकि योटा जीरो उधर इमेजिनरी था नहीं, रियल पार्ट ने रियल नाल इक्वेट होना होंगे, ठीक है जी। तो अगर मैं ई दी पावर योटा थीटा खोलना तो कॉस 5 थीटा प्लस योटा साइन 5 थीटा आएगा, तो वो वैल्यू जी हैगी है तुहाडे कोल ओ 1 या माइनस 1 ही रहेगी क्योंकि रियल पार्ट है नहीं गा। तो यदा मतलब इसने कॉस थीटे ने इक्वेट होना ना साइन थीटे ने इक्वेट होना, वो माइनस 1 तो वड्डी वैल्यू ले नहीं सकते, इस करके मैं आर स्केयर 9 सिलेक्ट करना पड़ेगा। मतलब आर की वैल्यू मैं आर मॉडुलस होंगे नैगेटिव तो ले नहीं सकते है, सो आर शुड बी 3, आर तुसी 3 सिलेक्ट करोगे, जब आर तुसी 3 सिलेक्ट करोगे तो 9 ना 9 कैंसल हो जाए, ई दी पावर एटा 5 थीटा बराबर है माइनस 1 आ गया, ठीक है जी। हूँ की होएगा तुहाडे पास, हूँ अपन पता है कि इसनों कॉस 5 थीटा प्लस एटा 5 साइन थीटा लिख सकते हैं, तो यह मतलब 5 वैल्यूज थोड़ा आराम ना सोल्यूशन मिलेंगे क्योंकि कॉस 5 थीटा प्लस एटा साइन 5 थीटा लेना आप। और जे तुसी डी मॉर्गन थ्योरम लगाई हो इक्वल टू -1, सो ये -1 है जी, ठीक है। तो इतों 5 वैल्यूज थोनू मिलनियाँ ही मिलनियाँ ने, ठीक है जी। सो तुसी उरों सीधा ही ला लेना कि 5 वैल्यूज हैगियां ने, ठीक है। तो जेडे ग्रेजुएशन वाले हैं उन्होंने पता है कि मैं डी मॉर्गन थ्योरम लगा सकता हूँ तुहाडे कोल, ठीक है। तो डी मॉर्गन दा लाई है हूँ भी लगाई है तुहाडे कोल, तो कंपैरिजन करके तो आपां 5 नूं टिक कर देना है, क्योंकि 5 थीटे दे कोरसपोंडिंग थोनू वैल्यूज मिलनियाँ हैगियां ने, ठीक है जी। तो जड़ा है मतलब आ फॉर्म तो मैं लिखनी नहीं, मैं तो इसे फॉर्म तो ले लेना है थोड़े को, ठीक हो गया। असल च की है, असल च इदा है थोड़े को, मतलब तुम ए सोचो ई दी पावर योटा थीटा वो दी पावर 5 इज इक्वल टू -1, ई दी पावर योटा थीटा तो वो दी पावर 5, सो ई दी पावर योटा थीटा के कोरसपोंडिंग जो भी आया ये कोरसपोंडिंग वो उपर 5 पावर ने, सो 5 वारी कोरसपोंड करेगा। तो इस करके इदा जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल शॉर्टकट्स तुसी कह लो 5 है, फरदर असी कैलकुलेशनस नहीं करनी, ठीक हो गया जी। सो चलिए नैक्सट क्वेश्चन पे, ठीक है जी। सो नैक्सट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी क्वेश्चन है तुहाडे कोल, मतलब जे तुहानूं तुसी ये पहला कीता होवे तां तुसी इहदे विच उहदे विच जीपी लगाई होगी और जीपी बनदी भी है, पर हुण तुसी इदा नहीं करना हैगा, तुसी रूल याद रखना। रूल ये है कि अगर एटा एटा की पावर एन प्लस 1, एटा की पावर एन प्लस 2, एटा की पावर एन प्लस 3, एन नैचुरल नंबर हो गए, ये 0 होंगे, माने एटे दिया 4 कंजैक्टिव पावरस हमेशा जोड़ 0 दिंदिया ने, एटे दिया 4 कंजैक्टिव, उरे 1 पाओगे 1 2 3 4, 2 पाओगे 2 3 4 5, 3 पाओगे 3 4 5 6, से 4 कंजैक्टिव पावरस हमेशा 1 दिंदिया। हुण जे तुसी देखोगे तुसी इहदियां 2 समेशनस बना लो, ठीक है, 13 इत्थे एन, तुसी इहदियां भी 2 समेशन बना लो, सो 13 एटा की पावर एन प्लस 1, ठीक है जी। हुण तुसी जे इहनूं खोलोगे तो कितने तक जाओगे, एन इक्वल टू 1 to 13 तक जाना। अगर तुसी 1 to 13 तक गए, पहले 4 का ब्लॉक 0 है, अगले 4 का ब्लॉक 0 है, 12 तक वैल्यू 0 हो जाएंगे, सिर्फ 13 बचूगी। हुण तुसी इत्थे तां इहनूं करना सॉल्व, तां तुसी 2 तो लैके 14 तक जाना, क्योंकि लास्ट वाली उरे 13 भरूगी तां 14 आऊगा, ठीक है जी। तां फिर की होगा, फिर उही होगा तुहाडे कोल, अगर 2 तो शुरू होए 2 3 4 5 वाला ब्लॉक 0, 6 7 8 9 वाला 0, 10 11 12 13 वाला 0, सिर्फ ओटा की पावर 14 बचनी। 14 विचों भी ओटा की पावर 4 थोनू पता है 1 होंदी है, तो इत्थे कल्ला ओटा आजूगा, इत्थे ओटा स्केयर आजूगा, ओटा स्केयर -1 होंदा। सो ये थोड़ा शॉर्टकट तरीका है, तो जे थोड़ा जिहा भी आइडिया है कंपलैक्स नंबर का फिर इस विच कोई दिक्कत नहीं गी, अदरवाइज ये दिक्कत ही दिक्कत है तुहाडे को, ठीक हो गया जी। सो एक लास्ट क्वेश्चन देख लो जी, तुसी नहीं करना तुसी इसनों ओपन करो, इसनों ओपन करो, जीपी ला लो, मैनू कोई दिक्कत नहीं हैगी, बट असी पेपर च 1 मिनट जी क्वेश्चन करना हुंदा तो इस करके ख्याल रखना इन्ना हुंदा नहीं हैगा। तो 4 कंजैक्टिव पावर दा देखो 13 तक खोलनियां सीगियां, पहलियां 12 तो 0 हो गईयां, पहलियां 4 0, अगलियां 4 0, अगलियां 4 0, तो 1 बची कि बची 13, इहदियां भी पहलियां 12 13 टर्मां ने, पहलियां 12 उड जाणियां ने, कौन बची 13वीं, 13वीं की है ओटा प्लस आ, हुण ओटा 13 है, ओटा 12 की वैल्यू की होंदी है 1, क्यों 1 होंदी है। हुण जे किसी नूं नहीं समझ आता एक बार दोबारा एक्सप्लेनेशन देख लियो, क्योंकि 4 × 3 × ओटा, ओटा 4 1 होंदा, सो ओटा ही आ गया। इस तरह 14 ओटा स्केयर, ओटा स्केयर -1 होंदा है,
ठीक है जी। सो यदा मतलब है दूसरी वाली ऑप्शन थोड़ी जी हैगी ट्रू होगी। ठीक है जी। सो एक लास्ट क्वेश्चन देखिए जी अपन थोड़े को। तो क्वेश्चन की हैगा 1 + iota नीचे 1 - iota यदि पावर एक्स है इज इक्वल टू 1 है दैन थोड़े को एक्स की वैल्यू की होएगी। ठीक है जी। पहला तो इसमें स्टैंडर्डाइज फॉर्म से लिखो तो फिर पता लगेगा एक्स की वैल्यू। तो अगर फ्रैक्शन दिता हो तो पहले रैशनलाइज करीदा होंगे जी। ठीक है। सो ऊपर आ गया 1 + iota² + 2iota नीचे आ गया 1 - iota². ठीक है जी। ऊपर एक्स है इक्वल टू 1 है iota स्केयर माइनस 1 हो गया इतने 2iota नीचे iota स्केयर माइनस 1 एक तो 1 2 ऊपर एक्स 1 ये कैंसल हो गया। सो iota की पावर एक्स इज इक्वल टू 1 आ गया। तो एक्स अपना आंसर 1 आना यदा मतलब एक्स की वैल्यू की होगी यदा मतलब एक्स की वैल्यू 4 होगी 8 होगी 12 होगी 16 होगी 4 के मल्टीपल जाएंगे यदा मतलब एक्स की हो जाएगा 4 × n एन की है इंटीजर पॉजिटिव का। तो अपन आ वाली ऑप्शन ट्रू मिलती। सो ठीक है जी। सो इन्ना का क्वेश्चन है 11 भी किया हूँ पर इदा ऑप्शन नहीं आती थोड़ा जहा क्वेश्चन मॉडिफाई कर देंगे। ठीक है जी। सो इन्ना कर लियो जी पार्ट 9 लैके फिर आने जी अगले पार्ट। ठीक है जी। सो अगर मैं थोनों जोड़ा है 300-400 क्वेश्चन एवं इकट्ठा कर दिना तो बड़ी बढ़िया ढंग ना तैयारी हो जूगी। ठीक है जी। सो PDF कई बार पानी रह जाती है या कुछ है बड़ा ठीक ठाक पहला स्कैन करके ड्राइव पर पानिया पैदा ने सौखा काम की है तुम क्वेश्चन की फोटो खिंचो फोटो खिंच के मोबाइल च आ गई। ठीक है। वो तो बाद जोड़ा है गूगल की ऐप हैगी है थोड़े पास कुकी फाइल्स गूगल की गूगल फाइल्स है गूगल नोट। ठीक है। तो वह तुम वो कर लो थोड़े पास डाउनलोड वो तो बाद नंबर 1, 2, 3 पा के क्वेश्चन रखी जाओ पूरी फाइल थोड़ी बैकअप फाइल ये बन जानी हैगी इन्ना लंबा चौड़ा चक्कर तो है नहीं। ठीक है जी। थैंक यू।